Every pain is associated with a learning part. दुख is important क्योंकि जैसे ही तुम्हें दुख मिलेगा, it has to undergo a learning. लेकिन अभी का चित हमारा इतना विक्षेप है कि हम learning के बदले yelling में चले जाते हैं. किसी को लंगड़ा पैदा किया, किसी को अंधा पैदा किया, किसी को गरीब के घर में पैदा किया, किसी को अमीर के घर में पैदा किया, किसी को जन्म जात कान नहीं दिए. ये सारे दंड कौन दे रहा है? माँ प्रकृति. सो द प्रकृति इज द बिगेस्ट लॉ. नेचर इज द बिगेस्ट लॉ एंड नेचर इज द बिगेस्ट पनिशमेंट गिवर. तुम कहोगे ऐसा क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू टीच यू समथिंग. भाई क्यों प्रकृति थोड़ी हमारे लिए मदर की तरह कोमल नहीं हो सकती? नो, मदर वॉन्ट्स टू टीच यू बिकॉज मदर वॉन्ट्स यू टू रीच दैट एटर्नल डेस्टिनेशन. दंड हम सबको अपने जीवन में कहीं ना कहीं मिलता ही है. यस और नो? कहीं ना कहीं दंड का अर्थ क्या है? दंड मतलब पनिशमेंट इंग्लिश में, ये तो ट्रांसलेशन हुआ. अर्थ यानी सजा, और सजा भी कैसी जिसमें मजा आए वैसी नहीं. यदि तुम्हें मजा आ रहा है तो उसको सजा नहीं कहा जा सकता. सजा भी वैसी जिसमें तुम्हें दुख लगे, तुम्हें वेदना लगे, तुम्हें तकलीफ हो. कहीं ना कहीं हमें लगता है हम चाहे कितनी भी गलती करें हमें दंड नहीं मिलना चाहिए. अगर ये प्रकृति हमारी माँ है, यदि ईश्वर हमारे पिता है, तो माँ बाप को हमें माफ करना चाहिए. लेकिन फिर भी इस पूरी प्रकृति के अंदर जो नियम है वो नियम को तोड़कर तुम्हें कभी भी दंड मुक्त नहीं कर सकता. तो इस दंड की पूरी साइकोलॉजी क्या है? इस दंड का पूरा विज्ञान क्या है? इस दंड के पीछे पूरा मनोविज्ञान क्या है? इस दंड के पीछे पूरा अध्यात्म क्या है? इस दंड का पूरा इतिहास क्या है? आज के सूत्रों के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे. दंड कब मिलता है? जब भी हम प्रकृति के, जब भी हम ईश्वर के कानून जो है, ईश्वर के सिद्धांत जो है, द लॉज ऑफ लाइफ, द लॉज ऑफ नेचर, जब भी हम इसके विरोध में जाते हैं, विपरीत में जाते हैं, उसका परिणाम होता है कि हमें दंड मिलता है. व्हेन वी गो अगेंस्ट लॉज ऑफ लाइफ, सिंपल यूनिवर्सल डेफिनेशन, उसके अलावा कोई कारण ही नहीं है. जितना भी मैंने स्टडी किया उस सब का निचोड़ एक लाइन में लाना है, दंड मिलता कब है? पाप का उदय आता कब है? धर्म के क्षेत्र में पाप का उदय बोला जाता है. दंड यानी क्या है? तुम्हारे पाप का परिणाम है, पाप का उदय है. लेकिन ये पाप यानी क्या? व्हेनेवर यू गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के कानून है, जीवन के कानून है, जिंदगी के कायदे हैं, जब भी तुम उसके विरोध में जाते हो तो उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसको दंड कहते हैं. डू यू एग्री? यहां तक बात समझ में आती है? ओके. दंड क्यों मिलता है? धर्म क्षेत्र में दंड का विधान, धर्म यानी धर्म संप्रदाय की बात कर रही हूं मैं, धर्म संप्रदाय में दंड का विधान इसलिए प्रचलित है कि यदि तुम्हें दंड के बारे में पता होगा तो तुम वैसा कार्य नहीं करोगे. सिंपल, यस और नो? इसी बात को जो अभी 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 जो आधुनिक विज्ञान है, द लेटेस्ट साइंस, विज्ञान ने इस भाषा में कहा कि जब हमें दंड मिलता है तो होता क्या है? ये क्या है? हमारा ब्रेन है, किसी एंगल से हमारे ब्रेन के अंदर यहां पर एक इंसुलर कॉर्टेक्स है. इंसुलर कॉर्टेक्स, एक और नया वर्ड आ गया यहां पर, इंसुलर कॉर्टेक्स. जब भी हमारे को दर्द होता है, मानो जैसे मैं यहां चल रही हूं, मेरा पैर किसी चीज पर पड़ गया, एकदम समझो ना कोई एकदम नेल है, कोई एकदम कील है, और उस कील के ऊपर मेरा पैर पड़ा, तो होगा क्या? मुझे दर्द होगा. जैसे ही दर्द होगा मेरा पैर तुरंत क्या होगा? पीछे जाएगा. सो व्हाट हैपन्स, इंसुलर कॉर्टेक्स जो है ये इंश्योर करता है कि जब भी दर्द हो तब कोई नई लर्निंग साथ में मिलनी चाहिए उसको. एवरी पेन इज एसोसिएटेड विद अ लर्निंग पार्ट. हर दर्द के साथ, अब अगली बार मैं चलूंगी इसी फ्लोर पर तो ध्यान से चलूंगी कि नहीं, कहीं और लगे वो बात अलग है, लेकिन इतने ही पोर्शन में मैं चल रही हूं तो दिस इंसुलर कॉर्टेक्स जो है वो ऐसे न्यूरॉन्स को फायर करता है और वायर करता है जिस कारण से वी एब्जॉर्ब न्यू लर्निंग इन अवर सिस्टम. ये विज्ञान की खोज है. आधुनिक विज्ञान इस बात से बिल्कुल सहमत है कि दंड इज इंपॉर्टेंट, पनिशमेंट इज इंपॉर्टेंट,
दुख इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे ही तुम्हें दुख मिलेगा इट हैज टू अंडरगो अ लर्निंग, लेकिन अभी का चित्त हमारा इतना विक्षेप है कि हम लर्निंग के बदले येलिंग में चले जाते हैं। यस और नो? हम लर्निंग उसे कुछ सीखने के बदले हम चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाई मी गॉड व्हाई मी। तो कहीं ना कहीं धर्म संप्रदाय तुम्हें दंड से परिचित कराते हैं, नरक में सड़ोगे, नरक में तले जाओगे। ये सब कैसी कैसी खुराफाती बातें इन लोगों ने सोची। अच्छा किया सोची, तुम जैसे शैतानों के लिए यही चाहिए। जब तुम्हें पता चलेगा अरे नरक में इतना कुछ होता है, इट प्रोवाइड्स अ लर्निंग। लर्निंग एक्चुअली धर्म संप्रदायों में जहां जहां इस पनिशमेंट का वर्णन है वहां वहां हर जगह उसके पीछे का गोल उद्देश्य यही है कि यू लर्न टू स्टॉप दिस एटीट्यूड। और एक बात याद रखना, जो चीजें तुमने दर्द से सीखी होगी ना वो तुम्हें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, है कि नहीं? दुख से सीखी होगी, भय से सीखी होगी। ये जो सारे क्या कर रहे हैं, भय तो पैदा कर रहे हैं तुम्हारे अंदर कि नहीं डरो तुम्हें वो सब दुख लगेगा नरक में जाके। जो चीजें तुमने भय से सीखी होगी ना तुम्हें हमेशा हमेशा याद रहेगी। पेन मिलना और पेन के बारे में सोचना, बोथ थिंग्स नौ विज्ञान है, साइंस यानी रिसर्च। और इस विज्ञान ने इस लेवल तक रिसर्च किया है, चाहे तुम्हें पेन मिल रहा है या तुम उस पेन के बारे में इंटेंसली सोच रहे हो, उस पेन को मान्य कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, बोथ द केसेस इंसुलर कॉर्टेक्स हैज टू प्रोवाइड अ न्यू लर्निंग। यानी जरूरी नहीं है कि तुम गलत काम करके ही तुम नई लर्निंग क्रिएट कर सको, दर्द में जाके ही तुम उस दर्द का विचार करके भी इंसुलर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर सकते हो ताकि वो नई न्यूरल नेटवर्क बनाए जो एक नए ढंग का अध्यापन करे, तुम्हें लर्निंग की मैकेनिज्म को एक्टिवेट करे। आज मेरे को विज्ञान के बारे में नहीं समझाना इसलिए इतने पे छोड़ रही हूं, लेकिन संप्रदाय विज्ञान एंड फाइनली द एम ऑफ माई लाइफ इज अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म की पूरी आकांक्षा, अध्यात्म की पूरी चाहत ये है कि तुम जैसे हो वैसे ना रहो। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में पारिवारिक असंतोष आता है, जब भी तुम्हारे जीवन में सामाजिक लज्जा आती है, जब भी तुम्हें शारीरिक कष्ट होता है या मानसिक दुख मिलता है, जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी पीड़ा तुम्हें अनुभव में हो रही है, दिन के 20 घंटे तो तुम पीड़ा में ही होते हो, तुम्हारे को कोई ना कोई असंतोष चल ही रहा है ना, पारिवारिक सामाजिक लौकिक कोई ना कोई है ही, डिससैटिस्फैक्शन इज इट्स इन इटसेल्फ इज अ पेन। यस और नो? असंतोष अपने में ही दर्द है, दुख है, तकलीफ है। जितना असंतोष है उतने तुम दुखी हो। अध्यात्म कहते हैं रुको, ठहरो, सोचो तुम किस पर दोष डाल रहे हो। इसमें बहुत अच्छा वचन लिखा है ऊपर ही, जो दंड रहितों को दंड से पीड़ित करता है निर्दोष को दोष लगाता है। दंड किसको मिलता है? जो निर्दोष को दोष लगाता है। जो कुछ भी हो रहा है, पारिवारिक असंतोष भी हो रहा है, तुम हमेशा दोषारोपण किस पर करते हो? उसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन कारण वहां नहीं है, कारण कहां है? यहां। अध्यात्म कहता है रिकवर करो, रिकवरी उपाय। आएंगे अभी हम अध्यात्म किस तरह से हमें रिकवरी कराता है, ओनली 4 वर्ड्स, उसके अंदर तुम्हें पूरा रिकवरी प्लान पता चलेगा। उससे पहले दंड देता कौन है? अलग अलग फील्ड्स हैं जो दंड देती है, मदर नेचर, प्रकृति दंड देती है। सुनामी जब आते हैं मदर नेचर का प्रकोप है, किसी को लंगड़ा पैदा किया, किसी को अंधा पैदा किया, ये प्रकृति का दंड है। किसी को लंगड़ा पैदा किया, किसी को अंधा पैदा किया, किसी को गरीब के घर में पैदा किया, किसी को अमीर के घर में पैदा किया, किसी को जन्म जात कान नहीं दिए, ये सारे दंड कौन दे रहा है? मां प्रकृति। सो द प्रकृति इज द बिगेस्ट लॉ, नेचर इज द बिगेस्ट लॉ एंड नेचर इज द बिगेस्ट पनिशमेंट गिवर। भाई पांव दुखना एक प्रकार का दंड है, लेकिन पांव होना ही नहीं कितना बड़ा प्रकोप है। भले दर्द वर्द नहीं है तुम्हें, भाई जिसका पांव ना हो उसे दर्द क्या होगा? कुछ नहीं, जब पांव ही नहीं है तो दर्द कहां से होगा। लेकिन जब प्रकृति तुम्हें दंड देती है, प्रकोप की तरह देती है, इट इज वेरी वेरी वाइट, इट इज वेरी ह्यूज, तुम सोच भी नहीं सकते। और इसलिए प्रकृति दंड देती कब है ये भी ध्यान से सुनो, जब तुम समूह के समूह में, जब तुम सामूहिक रूप से
कोई भी सही के विरोध में जाते हो, जैसे मैंने देखा उस दिन कितने लोग रावण जलते देखने जाते हैं। यदि तुम रावण को व्यक्ति रूप में देखते हो, रावण प्रकृति रूप में देखो, प्रकृति यानी नेचर, नेचर यानी तुम्हारी हैबिट्स, यानी तुम्हारा अहंकार, बड़ा हुआ अहंकार, उसको तो जलाना ही है। लेकिन अगर तुम रावण को व्यक्ति रूप में देखते हो तो जैन शास्त्र कहते हैं महापाप है, और उसका परिणाम अब एक साथ हजार लोग जाते हैं देखने, एक साथ हजारों लोग रावण दहन की घटना को देखने जा रहे हैं, तो उसका परिणाम कौन लेगा? वो पुतला कैसे लेगा? उसका परिणाम लेगी मां प्रकृति। दूसरी बात, प्रकृति से तो डरना ही। तुम जब कोई गलत कार्य किसी सदगुरु तत्व के प्रति करते हो, झूठ, मायाचारी, चालाकी, इररिस्पॉन्सिवनेस, ये सब चीजें जब तुम्हारी लाइफ में जो करुणा के महासागर है उनके प्रति करते हो डायरेक्ट वन टू वन चालाकी, तब क्या होता है? सदगुरु को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि तुमसे ये कर्म हुआ है, तुमने मेरे से झूठ बोला, आपके झूठ बोलने से मुझे कुछ भी नहीं होता, आई एम प्योर विटनेस, मैं साक्षी भाव में ही हूं, लेकिन आपने झूठ बोला तो आप दंड के तो अधिकारी हैं। अब आपको दंड कौन देगा? आपको दंड देगी मेरी मां, मेरी प्रकृति। आपको दंड मिलेगा वहां से, और जब प्रकृति दंड देती है, मैं दंड दूं तो क्षमा यूं, अरे छोड़ो ना प्रभु, ठीक है हो गया, फाइल क्लोज, मेरे पास आके आप क्षमा अपना करो तो मैं तो फाइल क्लोज करूंगी। लेकिन आप क्षमा नहीं मांग रहे, आपने कर दिया, गलत हो गया, आपको पता भी है गलत हो रहा है, गलत चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके सहभागी हो रहे हैं, आप नहीं बता रहे, यू आर डूइंग सम क्राइम अगेंस्ट मी एंड द रिजल्ट ऑफ दैट क्राइम विल बी टेकन केयर ऑफ मदर नेचर। और जब प्रकृति देगी तो प्रकोपात्मक होगी। तुम कहोगे ऐसा क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू टीच यू समथिंग। ऐसा क्यों भाई? क्यों प्रकृति थोड़ी हमारे लिए मदर की तरह कोमल नहीं हो सकती? नो, मदर वॉन्ट्स टू टीच यू बिकॉज मदर वॉन्ट्स यू टू रीच दैट एटर्नल डेस्टिनेशन, इसलिए वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। तो पहला, दंड देने का अधिकार किसके पास है? प्रकृति के पास। दूसरा अधिकार है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कंट्री लॉज, कुछ भी है तुम्हें, जो भी कोई भी लॉसेस एडमिन के लेवल से, वो भी तुम्हारे को दंड देने के लिए। तीसरा, समाज से दंड मिलता है, तभी तो सामाजिक लज्जा है। वो समाज मुंह पे तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिन आंखों से तुम्हें देखेगा वो तुम में लज्जा ले आएगी। तो ये समाज को भी दंड देने का अधिकार है। आगे कहते हैं किसको दंड देने का अधिकार है? परिवार, परिवार को दंड देने का अधिकार है। कौन कौन दंड देने के लायक है? जिसने परिवार बनाया अपना, उस परिवार के मुखिया को दंड देने का अधिकार है। तुम कहते हो आजकल के बच्चे, नहीं हमें फ्रीडम चाहिए, नहीं हमें पनिश नहीं करो तुम लोग, वी वॉन्ट टू लिव अवर लाइफ एज इन अ वेरी फ्री मैनर। तुम्हें जब तुम्हारे माँ बाप दंड देते हैं, तुम कहते हो क्यों, वाई यू आर आस्किंग, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? हमें ये अधिकार मदर नेचर ने दिया। इसलिए जब भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दंड दे रहे हैं, तुम्हारे को चांटा मार रहे हैं, तो उनके प्रति द्वेष से मत भरो, उन्हें दंड देने का अधिकार मदर नेचर ने ही दिया है, इस फॉर्म में दिया है। और क्यों दिया है? टू मेक यू लर्न समथिंग। यानी परिवार के पास भी अधिकार है, उसके आगे शरीर दंड देता है, गलत खा लो, नियरेस्ट वन तुम्हारा, गलत खा लो, शरीर अपने आप दंड देगा तुम्हें। यहां पर और कोई, अब तुम देखो ना, वैसे तो सभी प्रकृति की ही मैनिफेस्टेशंस है, मदर नेचर इज हैंडलिंग द एंटायर शो, लेकिन थोड़ा तुम्हें समझने के लिए, शरीर भी दंड देने का अधिकारी है। गलत कुछ भी कर लिया तो शरीर दंड देता है। और फाइनली द छठा, मन, तुम्हारा अपना मन तुम्हें दंड देता है। यस और नो, डू यू एग्री? कैसे देता है? किसी ने तो कुछ, अवनीश ने तो पार्थ के साथ झगड़ा किया, मान लो 10 दिन पहले, लेकिन जो होना था हो गया, 10 मिनट के अंदर जो बातें होनी थी हो गई। अब आज भी पार्थ उसके बारे में सोच रहा है और अपने आप को दुख दे रहा है, दंड मतलब दुख देना, अवनीश भाई ने ऐसा क्यों किया, अवनीश ने ऐसा क्यों बोला, ये जो भी कुछ वो सोच रहा है अंदर के अंदर, ये उसका मन खुद ही उसको दंड दे रहा है। मन खुद ही प्रशासन बन जाता है, मन खुद ही प्रकृति बन जाती है। संभालना है दो को, मन को और प्रकृति को। क्या करें? व्हाट इज द रिकवरी प्लान?
जब भी जीवन में तुम्हें दुख मिले, सबसे पहले तो ठहरो, प्रतिक्रिया करने के बदले सबसे पहले टेक अ पॉज। अभी अभी किसी का मेरे पास फोन आया था, उसको कुछ अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर इश्यूज हो रहे हैं, तो शी वॉज शाउटिंग एंड एवरीथिंग कि समवेयर शी वॉज नॉट हैप्पी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसको कहा पहले तुम शांत हो, पहले तो समझो कि तुमने 5 साल पहले ही ऐसा कुछ किया है और वही लौट के आ रहा है। सडनली शी वेंट ब्लैंक, क्योंकि मेरे से इतनी कनेक्टेड है इसलिए उसको तुरंत ही पता चल गया, हाँ 5 साल पहले मैंने जो काम किया वही तो लौट कर मेरे पास आ रहा है। और जब अब मेरे पास आ रहा है, शी वॉज बेगिंग फॉर ग्रेस कि प्रभु कुछ ग्रेस करो, घर में सब ठीक हो जाए, कुछ ग्रेस करो। मैंने कहा बिल्कुल ग्रेस आएगी, ग्रेस आएगी, आई डू बिलीव एंड यू बिलीव इन मी, आई बिलीव इन ग्रेस, ग्रेस जरूर तेरे पास आएगी। लेकिन बेटा मैथमेटिकल इक्वेशन का भी ना एक नियम होता है, जो स्टेप पहले करना है वो पहले और जो बाद में करना है वो बाद में। तो ग्रेस को बुला रही है लेकिन उससे पहले का स्टेप तो तूने किया नहीं। पहले स्वीकार कर कि ऐसा मैंने 5 साल पहले ही किसी के साथ किया था, वही लौट कर मेरे पास आ रहा है। और जहां उसने उसकी आवाज में एक अलग शांति आ गई, जहां उसके आवाज के अंदर ये शांति आ गई, एकदम वो फोन पर थी, एकदम शांत हो गई इमीडिएटली 7 डेज के बाद। मैंने कहा तू 3 दिन खाली अपने को अपराधी मान, 3 दिन एंड यू विल सी व्हाट हैपेंस। 7 डेज बाद उसकी मेल आ गई, आई कैन सी द मैजिक हैपनिंग इन माय प्लेस, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं खाली तुम्हें अलाइन कर रही हूं। ग्रेस के जो कायदे हैं, अगर प्रकृति का कुछ कायदा है तो ग्रेस का भी तो कोई कायदा है, कृपा का भी तो कुछ कानून है। तो मैंने खाली उसको अलाइन किया, शी वॉज आस्किंग फॉर ग्रेस, मैंने कहा ग्रेस आएगी लेकिन वो सेकेंड स्टेप ऑफ इक्वेशन है। उससे पहले क्या चाहिए? तुम्हारी तरफ से जो होना चाहिए वो। तो जब भी जीवन में कोई भी व्यवहारिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक दर्द, दुख, पीड़ा आती है, अब तुम लोग ऐसे हो गए हो ना, शारीरिक पीड़ा से इतना नहीं घबराते, लेकिन मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, ये सब चीज़ें तो तुम्हें अभी भी तकलीफ करती है। नाक तुम्हारी कटती है ना, तुम बोलते हो, और नाक कटने में दर्द कितना होता है? सबसे ज़्यादा। जब भी कुछ होता है, पहली बात तुम्हें टेक अ पॉज, रिकवरी प्लान चल रहा है, टेक अ पॉज और पक्का करो तो ओके आई डिड, मैंने कहीं किया है। दे रिटर्न, यस और नो, दे रिटर्न लौटार। अगर आज की डेट में आके, जैसा मैं कह रही हूं, मुझे कोई ताना देता है, या गौतम प्रभु आपको कोई आकर ताना दे रहा है कि ये SRM क्या है, ये तुम लोग हम लोगों को शिविरों में अलाउ नहीं करते हो, भाई हमारी भी एक कैपिंग है, वी ऑल्सो हैव सम एडमिन वेज, लेकिन कोई तुम्हारी निष्कामता को समझ ही नहीं पा रहा और तुम्हें आकर ताने सुनाता है, जो कुछ भी करता है, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? अगली बार से सत्संग में नहीं आने देना। नो, यू शुड टेक अ पॉज। सबसे पहला रिएक्शन होना चाहिए तुम्हारा, आई डिड, ही रिटर्न, देन आई अपोलोजाइज, क्षमापना, आई लर्न, आई डिड, दे रिटर्न, आई अपोलोजाइज, आई लर्न। बस ये 4 सूत्र याद रखो टू मेक एवरीथिंग वेरी सिंपल। जब जब जीवन में दुख आ रहा है, आई डिड, मैंने किया, उसने लौटाया, आई अपोलोजाइज एंड आई लर्न। जब तक इन 4 में से कोई भी एक नहीं होगा, कोई भी एक, ध्यान रखना 4 चीजें हो गई यहां, आई डिड इसका बोध, आई दे रिटर्न इसका भी बोध, वो केवल पोस्टमैन है, आई अपोलोजाइज क्षमा के भाव से भरो, जब भी मैंने ऐसा किया होगा तुम्हें भी तो ऐसा ही दुख हुआ होगा, तो उस दुख के लिए मैं, जो तुमने, मैंने तुम्हें जो दुख दिया था उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, एंड आई लर्न। इन 4 में से एक भी बाकी रह गया, लाइफ विल कीप ऑन गिविंग यू अदर चांसेस टू लर्न, विच इज कॉल्ड पनिशमेंट। लाइफ विल कीप ऑन गिविंग यू अनदर चांसेस टू लर्न, क्योंकि जिंदगी का काम है तुम्हें सिखाकर इवॉल्व करना। लेकिन यदि तुम सीधा अपोलोजाइज कर लेते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आई डिड, समझे बिना, हाँ माफ करो, मेरे पास होते हैं कई बार ऐसे लोग आते हैं कि जैसे ही मैं उनको बताती हूँ ना, प्रभु आपकी गलती, सॉरी प्रभु, अरे पर पहले समझो तो सही, गलती क्या थी, अभी तो कुछ बोला नहीं और कहते सॉरी, अंदर में वो कह रहे शटअप, हम समझ गए हमारी क्या गलती थी। इसलिए मैं तो फर्स्ट लाइन में जो सॉरी बोले ना, ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ,
बिकॉज दे आर एक्चुअली टेलिंग मी शट अप, आई अंडरस्टूड व्हाट वाज माय मिस्टेक. लेकिन भाई विद्या से तो विनय आना चाहिए, विद्या दायते विनयम. यदि तुम्हारे तुम समझ गए, तुम्हें विद्या मिल गई कि हाँ मैंने किया था, तो उसके बाद विनय आना चाहिए. उसके बाद तुम अविनय से नहीं भर सकते. तो सबसे पहला काम है, जब भी दुख आता है, मेक श्योर टेक अ पॉज. आई डिड. तुम्हारा बेटा तुमसे ठीक से बात नहीं करता, तो सबसे पहले आश्चर्य से भरो. तुम भरते हो द्वेष से, और तुम्हें भरना है आश्चर्य से कि मेरा बेटा मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा. आई डिड एज अ सन टू समवन, आई दे रिटर्न. बेटा क्या है? वो निमित्त मात्र है. और निमित्त कैसा है? निर्दोष. वो तो केवल एक रिटर्न करने आया है. आई अपोलोजाइज. अगर थर्ड स्टेप भी नहीं कर रहे, अगर तुम क्षमापना नहीं कर रहे, तुम लर्न नहीं कर पाओगे. क्योंकि जब तक क्षमापना की उस भावनाओं में नहीं जाओगे, उस पेन में नहीं जाओगे, तब तक इंसुलर कॉर्टेक्स तुम्हारा एक्टिवेट नहीं होगा. और जब तक इंसुलर कॉर्टेक्स तुम्हारा एक्टिवेट नहीं होगा, नई लर्निंग बनेगी नहीं. और जब तक नई लर्निंग बनेगी नहीं, वही की वही गलती तुम दोहराओगे. वही की वही गलती जब तुम दोहराओगे, तो प्रकृति बार बार वही स्थितियां तुम्हारे सामने लेकर आएगी. कब तक? जब तक तुम चौथे पर नहीं आ जाते, आई लर्न. This is the entire process.